वाह, ये चिड़िया तो बड़े आराम से मेरी उंगली पर बैलेंस हो गई। थोड़ी सी और कोशिश करें तो ये पेन की टिप पर भी बैलेंस हो जाती है, और इसको हम बैलेंसिंग बर्ड कहते हैं। तो पहले हम इसको बनाएंगे और फिर ये जानेंगे कि बैलेंस कैसे हो रहा है। हम इन सारे पीसेस को शीट से बाहर निकालेंगे। अब ये जो पीसेस हैं इनको दोनों तरफ विंग्स के नीचे चिपका देंगे और फिर ये सर वाले पीस को इस स्लॉट में डाल देंगे। ऐसे ही बाकी पीसेस को जोड़कर ये स्टैंड बन जाएगा। अब इस स्टैंड पर इसकी चोंच को रख देंगे और ये बड़े आराम से इस पर झूलता रहेगा। चलिए अब इसके चोंच पर बैलेंस होने के कारण को समझते हैं। किसी भी चीज़ को हम उसके सेंटर ऑफ मास पर बैलेंस कर सकते हैं। जब हमने इस बर्ड के विंग्स के नीचे पीसेस को नहीं चिपकाया था तब भी ये सिमेट्रिकल था, यानी जैसा इधर था वैसा ही इधर भी था, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होगा। पर अभी एग्जैक्टली चोंच पर नहीं है, चोंच से थोड़ा सा पीछे है, इसलिए अभी के लिए ये चोंच पर बैलेंस नहीं हो पाएगा और गिरता रहता है और बार बार गिरता रहेगा। सेंटर ऑफ मास को एग्जैक्टली चोंच पर लाने के लिए हमें इस लाइन से आगे थोड़ा और वेट ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने पंख के नीचे दोनों तरफ ये एक्स्ट्रा पीसेस को चिपकाया है। और अब इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली चोंच पर आ जाता है और ये आराम से झूलता रहता है। सिमेट्रिकल चीजों का तो सेंटर ऑफ मास ढूंढना आसान है। जैसे इस रेक्टेंगुलर नोटबुक का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो दो डायगनल खींच देंगे, यानी ऑपोजिट कॉर्नर्स को सीधी लाइन से मिला देंगे, और जहाँ पे ये दोनों लाइनें आके मिलेंगी वो ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर उस पॉइंट को उंगली पर टिका दें तो ये नोटबुक बड़े आसानी से बैलेंस हो जाती है। पर मान लीजिए किसी रैंडम शेप का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे कि इस तरह की कोई चीज़, इसको टेबल पर रख कर खिसकाते जाएंगे और जैसे ही ये गिरने वाला हो टेबल के अलोंग इस पर एक लाइन को मार्क कर देंगे। अब इसे अराउंड 90 डिग्री घुमा देंगे और यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और जहां ये दोनों लाइंस मिलेंगी वही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है, और उस पॉइंट को अगर हम कील के ऊपर टिका देंगे तो ये आराम से बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही ये हमने भारत के मैप का भी सेंटर ऑफ मास निकाला है जो भोपाल के आसपास आता है। सेंटर ऑफ मास से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। दीवार से 2 फुट दूर 100 रुपए का एक नोट रख दें और फिर अपने किसी साथी को बोलें कि दीवार के सहारे खड़े होकर नोट उठाना है। शर्त यह है कि कमर से नीचे वाला पार्ट दीवार से सटा रहना चाहिए। इस केस में हम तो क्या बाबा रामदेव भी इसको नहीं उठा पाएंगे, और क्यों नहीं उठा पाएंगे इसका जवाब भी सेंटर ऑफ मास में ही है। अगर हमारा सेंटर ऑफ मास पैरों के ठीक ऊपर रहता है तो हम बैलेंस्ड रहते हैं और खड़े रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही सेंटर ऑफ मास पैरों से आगे जाता है हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम गिर जाते हैं। नॉर्मली जब हम झुकते हैं तो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा पैरों से आगे की तरफ जाता है, तो हमें हिप्स को पीछे की तरफ ले जाना होता है ताकि सेंटर ऑफ मास पैरों के ऊपर ही रहे। लेकिन जब हम दीवार से सटके खड़े हैं तो इस कंडीशन में हम हिप्स को पीछे नहीं ले जा पाते, इसलिए सेंटर ऑफ मास पैरों से आगे शिफ्ट हो जाता है और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसी तरह चेयर से उठते टाइम भी या तो हमें अपने धड़ को आगे लाना पड़ता है या फिर पैरों को पीछे ले जाना पड़ता है ताकि सेंटर ऑफ मास पैर पे आ जाए। अगर हम इन दोनों में से कुछ भी ना करें तो चेयर से उठ भी नहीं पाएंगे। मतलब अगर हम पैरों को ऐसे ही फिक्स कर दें और धड़ को आगे आने से रोक दें तो कितना भी जोर लगा लें चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन जैसे ही हाथों में कुछ भारी चीज़ पकड़ते हैं हम उठ पाते हैं, क्योंकि भारी चीज़ पकड़ने से सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट हो जाता है और हमारे पैरों के ऊपर आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग बैलेंसिंग टॉयज बनाए।